एम्फीबिया, एम्फीबिया के कैरेक्टर लिखे हुए हैं। हैज बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस। ऑफ कोर्स दिस इज अ क्लियर कट कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया। बिल्कुल सही बात है और एनसीईआरटी के लाइन में एज सच मेंशनड है। नाउ शो, देखिए इस चैप्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, इस चैप्टर में अगर हम फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से नहीं पढ़ेंगे और उनको नहीं समझेंगे, ये तभी पॉसिबल है। एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल याद रखिए और इसके अलावा एक जो है वो कॉमन कैरेक्टर्स वाला एग्जाम्पल याद रखिए हर एक फाइलम से। यानी हमें एक फाइलम से दो एग्जाम्पल्स उठाने रहेंगे। इसकी मदद से ये चैप्टर बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा और स्टूडेंट्स को गाइड करने में भी हमें यही करना है। जब हम पढ़ाते हैं तो हम कॉमन कैरेक्टर्स के लिए एक बेसिक ऑर्गेनिज्म उठा लें जो उस फाइलम का हर कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म उस फाइलम में है बाई चांस जिसमें कुछ कुछ कैरेक्टर मिसिंग है या कुछ कैरेक्टर्स एक्सेप्शनल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस एक्सेप्शन के साथ पढ़ा देना है, तो हमें कभी भी फाइलम के कैरेक्टर्स याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ शो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। ये हमने पढ़ा था, कॉर्निफाइड स्किन नहीं होती, स्केल्स नहीं होते, मॉइस्ट स्किन होती है। इसकी मदद से क्या होगा कि रेस्पिरेशन हो जाएगी, इसमें लंग्स भी है और स्किन भी, यानी सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होगी। और जो इसमें गिल्स यानी जो वाटर में रहने वाले एम्फीबियंस है उनमें क्या होगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगी। अब है स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर्स, बिल्कुल गलत बात है। इसमें किसी भी तरीके के स्केल्स या कॉर्निफाइड स्किन या स्कूट्स कुछ भी नहीं मिलता, नो स्केल्स, नो कॉर्निफिकेशन। एंड नो स्क्यूट्स, किसी भी तरीके का ऐसा मॉडिफिकेशन इसमें देखने नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर हम स्किन को मॉइस्ट ही नहीं बोलते। नाउ कैन लीड टू डुअल लाइफ, अक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल ठीक बात है। और हम अगर देखें एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में, तो हम ये पढ़ते हैं कि जो अक्वेटिक एनिमल्स थे वो धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल के लिए अडेप्ट हुए, क्योंकि एज वी नो कि पहले अर्थ पे मोस्ट ऑफ द स्पेसिस पे वाटर प्रेजेंट था। अभी भी 70% इज वाटर, 30% इज लैंड। तो ये जो 70% पोर्शन था इसमें ही हमारी लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुई, और जैसे जैसे वो लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे आना शुरू हुई तो वो पार्शियल थी, कुछ देर पानी में कुछ देर जमीन पे। तो इसी तरीके से ये डुअल लाइफ जीते थे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल ठीक बात है। और इनमें आईलेट्स देखने मिलती है प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारी अपर आईलेट्स होती हैं ये आंखें बंद करने के लिए और खोलने के लिए इनमें देखने के लिए मिलती है। यानी केवल एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो रॉन्ग है, तो ऑल आर करेक्ट, 1 एंड 4 आर करेक्ट, ओनली 3 इज रॉन्ग। ऑल आर करेक्ट तो नहीं हो सकता, 1 एंड 4, अगर ये देता 1, 2, 4, 5 करेक्ट तो वो ऑप्शन सही हो सकता था। तो आंसर 6 इज ऑप्शन नंबर सी।